इधर भोजपुर में अवैध बालू खनन के ऊपर प्रशासन ने शिकंजा करते हुए कई पॉकलेट समेत 80 वाहनों को जब्त कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर भोजपुर एएसपी हिमांशु ने एसटीएफ का नेतृत्व करते हुए कोइलवर प्रखंड के सुरंदर टापू पर छापेमारी की। सुरंदर टापू पटना से काफ़ी करीब है, जिस वजह से छापेमारी के दौरान जब्त किए वाहनों को भोजपुर जिला प्रशासन पटना प्रशासन के हवाले कर दी है। बालूघाट बंद होने के बाद भोजपुर में अवैध खनन और बालू के अवैध स्टॉक को लेकर माफिया सक्रिय हो गए हैं, जिसके ऊपर अंकुश लगाते हुए प्रशासन ने छापेमारी की है और ये भोजपुर की सबसे बड़ी छापेमारी है। खनन विभाग से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि सुरंदा टापू है, क्षेत्र कोइलवर पड़ता है इसका, वहाँ पे अवैध खनन किया जा रहा है। एसटीएफ की टीम का नेतृत्व हमारे एएसपी हिमांशु जी कर रहे थे और उनके साथ हमारे मजिस्ट्रेट सीओ कोइलवर और बीडीओ कोइलवर थे और उनके साथ वो गए और जाने के बाद एसटीएफ की पूरी टीम ने सुरंदा टापू को घेरा और भारी मात्रा में प्रोक्लेन और विभिन्न प्रकार के जो लोडर्स होते हैं वो जब्त हुए हैं। उपकरण संभवतः इतना बड़ी मात्रा में कभी पहले प्रोक्लेन नहीं पकड़ा गया है। ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि 80 के आसपास वाहन पकड़े गए हैं जिनकी जांच की जा रही है और उसे सबको अभी पटना को हम लोग हैंडओवर करेंगे, क्योंकि सुरंदा टापू एक ऐसी जगह पर है जहाँ से पटना काफ़ी निकट है और उसे हम लोग यहाँ तक लाने में बहुत कठिनाई है, इसी कारण से हम लोग वहाँ पे पटना को हैंडओवर कर रहे हैं। और ये किसी भी कीमत पर आरा भोजपुर ज़िले में हम लोग बालू का अवैध खनन या परिवहन नहीं होने देंगे। जिला प्रशासन इसके लिए कृत संकल्पित है। हम अपने पूरी टीम को इस बात